इस्लामिक त्यौहार में दूसरा बड़ा त्यौहार है। इस्लामिक हर त्यौहार अमन और शांति वाला होता है, जिसमें अमन और शांति के पैगाम को आम किया जाता है और उसको एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। हम आज के दिन भी यही चाहते हैं कि इस भारत के अंदर तमाम लोग अमन और शांति के साथ और हमदर्दी के साथ रहें और अपनी ज़िंदगी गुजारें, भाई भाई की तरह रहें और किसी तरह की किसी को एक दूसरे से दिली तकलीफ न पहुँचे। नमाज़ अदा की बहुत खुशी की बात है और ये दिस नमाज ईद अल अधा कहते हैं इसको हम लोग, मतलब दिस इज़ अबाउट द सैक्रीफाइस, है ना। तो वी शुड सैक्रीफाइस फॉर द पीस ऑफ द सोसाइटी, है ना। हम लोगों को अमन के लिए, शांति के लिए एक साथ रहना चाहिए और कुछ कष्ट भी हो किसी से, अपने देशवासियों से, तो उसको इग्नोर कर करके एक प्यार से एक साथ रहना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सैक्रीफाइस। जो इब्राहिम, प्रॉफिट इब्राहिम थे, उन्होंने अपने बेटे प्रॉफिट इस्माइल को सैक्रीफाइस किया था, है ना। तो हम लोग को अपनी इंटरेस्ट को सैक्रीफाइस करके दूसरों से हमेशा प्रेम रखना चाहिए और एक वी शुड लव ईच अदर। अल्लाह ताला से हम लोग यही मांगे हैं कि सुख चैन हो, शांति हो, सब लोगों की खुशहाली हो, यही हम लोग मांगे हैं। क्या कुछ कहिएगा, आज की बकरीद है और बकरीद के मौके पर सभी एक जुट जी जी गांधी मैदान में नमाज अदा की। वही जैसा कभी पहले भी हमने बताया कि सब लोग मिलजुल करके बकरीद के त्यौहार को इंजॉय करें और सारे लोग मिलजुल कर करके पूरे मुल्क में चैन, अमन और शांति के साथ सभी लोग हम लोग रहें।